अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आज वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो इस वक्त ना सुबह के यहाँ पे 10 बज रहे हैं। बच्चे सुबह सुबह जो है वो स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी नाश्ता वाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं। मैंने जो है घर सब ठीक ठाक कर लिया है और ये वाला ड्रेस मैंने निकाली हूँ निशात लिनन का। आजकल दुबई में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि मतलब एसी भी ना वो जैसा लग रहा है कि काम ही नहीं कर रहा है। तो उस टाइप की गर्मी में ना ये इस टाइप के जो लॉन वाले कपड़े होते हैं ना वो बहुत ही आरामदेह होते हैं। और ये जो निशात लिनन के गाउन्स होते हैं ना ये दिखने में भी इतने प्रिटी होते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि कोई नाइटी पहन के घूम रहा है, इतने स्टाइलिश होते हैं। तो बस मैं फ़्रेश हो गई हूँ और जो है बस आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल है। मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो ख़वातीनें जो है ना वो कश्मकश में रहती हैं कि किचन में उनके जो है जगह नहीं है, कैबिनेट्स जो हैं कम हैं और वो सामान कैसे रखें, तो उनके लिए जो आज मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं और हम लोग अपने कैबिनेट्स की पूरी जगह कैसे यूज़ कर सकते हैं और किचन में जो खाली जगह होती है उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किचन में जो कॉर्नर्स होते हैं उसकी ऊपर से लेके साइड तक की स्पेस हम लोग किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि IKEA से जो है ना वो रॉड्स ले आए थे और वो हम लोगों ने जो है वो दीवार में ड्रिल कर दिया और उस रॉड के ऊपर जो है हम लोगों ने 2 होल्डर और एक रैक फिक्स किया है। तो उस रैक पे जो है मैं बोल्स रखती हूँ, आप चाहें तो डेकोरेटिव प्लांट्स भी रख सकते हैं अगर आपको ग्रीनरी का शौक है तो। और साइड वाले होल्डर में मैं शार्प चीज़ें रखती हूँ जैसे कि नाइफ और सीजर्स। और नीचे जो होल्डर है स्टील का उसके अंदर जो है हम लोगों ने डिश रैक लगाया है और साथ में जो है वो एक ड्रेनेज के लिए डिश भी है ताकि पानी वगैरह सब उसमें कलेक्ट हो सके। और फिर उसके बाद जो डेली यूज़ की जो प्लेट्स होती हैं ना जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं वो मैं नीचे ही रखती हूँ ताकि बच्चों की रेंज में हो, आराम से उन लोग ले सकें। और साइड में जो आप जगह देख रहे हैं ना लेफ़्ट साइड पे उसको भी मैंने अच्छी तरह यूटिलाइज़ करी हूँ। ये एक और जो है वो ट्रे होल्डर है जिसके अंदर जो सारे पॉट्स वगैरह के जो ढक्कन होते हैं ना वो मैं रखती हूँ। और मतलब ढक्कन जो है ऐसे अगर हम लोग साथ में प्लेट के रखें तो फिर जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए ढक्कन की हमेशा एक अलग जगह होना चाहिए जहाँ वो एकदम स्ट्रेट रह सकें। और साथ में ना मैं कटिंग बोर्ड वगैरह ना वो सब भी यहीं रख देती हूँ। और ऊपर वाले रॉड्स पे ना हुक्स लटका के उसके अंदर हम लोग डेली यूज़ वाली जितनी भी कप्स हैं ना वो मैं हैंग कर देती हूँ। और साइड में जो है वो एक और होल्डर हम लोगों ने हैंग किया है रॉड पे ही अगेन और उसके अंदर डेली यूज़ वाले स्पून्स रखती हूँ। और इस टाइप के जो हुक्स होते हैं ना वो मैंने कई सारे लेके आई हूँ, मतलब ये इतने यूज़फुल होते हैं ना आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बघार का चम्मच जो है वो भी लटकाई हूँ और डेली यूज़ वाले जितने भी सब चीज़ें होती है ना, चावल निकालने वाला और दाल फेंटने वाला, स्पैचुला वगैरह जो भी डेली यूज़ में लगते हैं वो सब मैं ना यहाँ इसी तरह लटका देती हूँ, तो वो हैंडी भी रहता है और कैबिनेट्स में जो है वो जगह भी नहीं भरती है। और जो इसके रॉड्स हैं ना वो मल्टीपर्पज़ हैं, तो ये लिड होल्डर का भी काम करते हैं जो मतलब स्पेस लेती हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे मैं सारे लिड्स जो है ना बड़े वाले वो अरेंज कर देती हूँ। और जो बर्तन हम लोग वॉश करते हैं तो उनको ड्राई होने के बाद ही अंदर अपनी जगह पे रखा जाता है, तो वो सारे बर्तन भी जो है हम लोग यहाँ ऊपर रख सकते हैं, तो जब सूख जाएगा तो अंदर रख देंगे। तो देखिए एम्पल ऑफ स्पेस है यहाँ पर सारे बर्तन रखने के लिए। और ये किचन का दूसरा कॉर्नर है जिसको मैंने किस तरह यूटिलाइज़ करी हूँ वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे अगेन जो है हम लोगों ने उसी तरह का ना IKEA से जो है रॉड्स लगा दिया था और ये काफ़ी अच्छा स्टर्डी है और इसको जो है ना ड्रिल करना होता है दीवार में। तो रॉड्स के ऊपर ना हम लोगों ने 2 प्लाई रख दिया है इवन करने के लिए और उसके ऊपर जो है हम लोग अपना इलेक्ट्रिक ओवन रख देते हैं, क्योंकि ओवन जो है वो ऐसा है कि रोज़ रोज़ तो लगता नहीं है और रोज़ लगेगा तो भी वो हाथ के रेंज में ही है, इतना ऊंचा भी नहीं है। और फिर नीचे जो है हम लोगों ने फिर से हुक्स टांग दिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और उसके अंदर मैं कटिंग बोर्ड्स और फ्राइंग पैन्स वगैरह और सॉस पैन सब हैंग कर देती हूँ, तो अच्छी खासी स्पेस यहाँ भी बन गई। और ये देखिए ये एक और कैबिनेट है जहाँ पे मेरा फूड प्रोसेसर और मिक्सर वगैरह रखा रहता है, तो उसके जस्ट नीचे जो कैबिनेट है उसके अंदर मैंने क्या किया है कि ओवर द डोर बास्केट मैंने हैंग कर दी हूँ और उसके अंदर ना मैं फूड प्रोसेसर के सारे जो है अटैचमेंट्स होते हैं ना वो मैं रखती हूँ। अटैचमेंट्स वगैरह हाथ की रेंज में रहेंगे ना तो आप जल्दी जल्दी उसको यूज़ भी कर सकते हैं, वरना वो पड़ा ही रहता है अंदर। और है ना अगर आप अंदर नहीं उसको हैंग करना चाहते हैं ना तो आप इस तरह बाहर भी हैंग कर सकते हैं बाहर के साइड में, और उसके ऊपर है ना सब ऑयल वगैरह की बॉटल रख सकते हैं। अगर आपके घर में कम कैबिनेट्स हैं ना, तो इस टाइप की जो हैंगिंग बास्केट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और इसके अंदर हम लोग ना मतलब कई चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मैं जो है डेली जो राइस और सब्जियां वगैरह जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं खाने के लिए, सर्व करने के लिए जो बर्तन होते हैं, वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और ये रोज़ एक जैसा नहीं रहता है, कुछ दिन के बाद हो सकता है मैं बोल्स वगैरह रखूँ। और अगर आप चाहें ना तो इसके अंदर जो है डेली यूज़ वाली जो बच्चों की स्कूल की बॉटल होती है ना, वो भी रख सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स रख सकते हैं। और यहाँ भी मुझे थोड़ी सी जगह खाली मिली तो यहाँ पे मैंने कमांड हुक्स यूज़ करी हूँ और ये बस चिपकाया जाता है और उस पर मैंने नमक मिर्च रख दी हूँ। और ये वाले कैबिनेट में देखिए छोटी छोटी कप्स रखी हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर की जगह देखिए पूरी खाली है, अच्छी खासी मतलब जगह वेस्ट हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैंने एक और कप होल्डर लगा दिया है और ये ना सारे शेप्स और साइजेस में मिलता है। तो इसको जो है ना अगेन मैंने जो है वही हुक्स लगा दी हूँ। और यहाँ पर ना जो बच्चों की जो शेक वगैरह वाली जो कप्स होती हैं ना, जो यूज़ होती हैं कभी कभी, वो मैं हैंग कर देती हूँ। तो अब देखिए ऊपर से लेके नीचे तक सारी जगह जो है यहाँ पे यूटिलाइज़ हो गई है और देखने में भी प्रिटी लग रहा है और किचन भी जो है वो पूरा का पूरा फंक्शनल है। वैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है ना, ये मैंने यहाँ दुबई में लोकल शॉप से ली थी और जो है ये अमेज़ॉन पे भी मिलता है। और यहाँ पैंस देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब लटक की जगह भी जो है वो बच गई है और एकदम डेकोर पीस लग रहा है। तो बस किचन ऐसा होना चाहिए जो देखने में भी बहुत अच्छा लगे और जो है फंक्शनल भी हो। तो ये सब चीज़ जो है ना मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। 6 महीने से ज़्यादा जो है ना मैं एक ही जैसा जो है वो किचन नहीं रख सकती। तो हो सकता है अगली बार आप देखेंगे तो कुछ और मिलेगा देखने को। और यहाँ देखिए ये जो सिंक के नीचे जो कैबिनेट है ना, ये सबसे ज़्यादा जगह यहाँ होती है और इसको जो है ना इसकी हाइट को हम लोगों को यूटिलाइज़ करना होता है। तो यहाँ पे देखिए अमेज़ॉन से जो है मैंने ये ऑर्डर किया था, ये रैक, ये 2 टायर वाला रैक है और इसके अंदर अनलिमिटेड बर्तन आ जाते हैं। अगर आप बगैर रैक के रखेंगे तो सिर्फ नीचे वाली जो जगह आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह रैक के साथ देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक 3 शेल्फ में हम लोगों ने जगह यूटिलाइज़ करी है। और साइड डोर्स जो है ना वो जो है यूटिलाइज़ करना मत भूलिएगा। तो अगेन जो है ओवर डोर रैक मैंने इसमें लगाई हूँ और उसमें जो है ना सब डिश वॉशर और स्पॉन्ज वगैरह जो है ये सब मैं रखती हूँ। ये जो शेल्फ है ना ये एडजस्टेबल है, इसको हम लोग अपने बर्तन जैसा है ना उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए एक और कैबिनेट में ना मैंने एक डिवाइडर लगाई हूँ ऊपर नीचे की स्पेस यूटिलाइज़ करने के लिए। तो अगर कम कैबिनेट में जगह है ना तो इस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा सब बर्तन रख सकते हैं। तो एक में जो है मैंने सब छन्नी वगैरह स्ट्रेनर रख दी हूँ और एक में जो है प्लेट्स ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए ये वाला एक शेल्फ है जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ और नीचे की तरफ जो है ना वो मेरे स्पाइसेस वाले जो हैं वो सारे मसाले यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं डब्बे। तो उसके ऊपर जो है ना मुझे थोड़ी सी जगह दिखी खाली, तो वहाँ पे अगेन मैंने जो है अंडर शेल्फ स्टोरेज बास्केट लगा दी हूँ। और यहाँ पर ना मैं थोड़े से जो है वो ज़ीरा मेथी वगैरह जो होते हैं ना ड्राई स्पाइसेस, वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो आप अपनी पसंद की अपने नीड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लगा सकते हैं। और ये शेल्फ जो है ना आपको कई साइजेज़ में मिलेंगे। और यहाँ पे जो वॉल थी ना उसको मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया है कि जो रोटी बनाने वाला सिलौटा बेलन का स्टैंड होता है ना वो मैंने इसके ऊपर फिक्स कर दी हूँ। और साथ में जो है ना वो सिलिकॉन ग्लव्स भी लगा दी हूँ। और ये जो मेजरिंग स्कूप है ना वो मैंने कमांड हुक पे लगा दी हूँ। और उसके जस्ट साइड में ना यहाँ पे एक छोटी सी जगह बची थी, तो वहाँ जो है ना मैंने एक स्लीक सा शेल्फ लगा दी हूँ और इसको जो है वो ड्रिल करना पड़ा है। और इसके अंदर जो है ना मैं चाट मसाला वगैरह रखती हूँ। और नीचे की तरफ जो है ना वो मैंने हाइट देके और थोड़ा सा जो है वो ऑयल डिस्पेंसर वगैरह, घी की बॉटल, ये सब मैंने रख दी हूँ। तो देखिए ये वाला किचन का जो वॉल है वो किस तरह से लगती है। सारी चीज़ें जितनी कोशिश करी हूँ मैं ऊपर रख सकती हूँ वो ऊपर ही रख दी हूँ। तो ये देखिए अच्छी खासी स्पेस ये वाले वॉल में भी बन गई है। और कभी आपने नोट किया होगा कि किचन के दरवाजे के पीछे ना अच्छी खासी जगह होती है। तो यहाँ पे ना क्या कर सकते हैं हम लोग के जो हम लोग की पॉलीथिन होल्डर होता है ना वो मैं लगा दी हूँ, यहाँ पे फिक्स कर दी हूँ। और यहाँ साइड में ना हम लोगों को सीढ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे कैबिनेट्स एकदम ऊँचे ऊँचे हैं। तो वहाँ पर मैंने एक होल्डर फिक्स करके और ये लैडर वहीं पर मैंने लटका दी हूँ। और देखिए साथ में जो झाड़ू है ना जो रोज़ घर में लगता है वो वाला झाड़ू भी मैंने यहीं पर रख दी हूँ। आप चाहो तो पोछा वगैरह भी लटका सकते हो। और यहाँ देखिए ये छोटा सा कमांड हुक मैंने लगाई हूँ और जो झाड़ू पुट्ठा होता है ना वो मैंने यहाँ पे लटका दी हूँ। और टिश्यू होल्डर भी ना कोशिश करें कि प्लेटफॉर्म पे ना रखें, इस तरह दीवार पे लगा रहेगा ना तो स्पेस जो है ना आपके प्लेटफॉर्म की वो खाली रहेगी। सो ये थी मेरी आज की किचन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो, होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी ये। सो शूटिंग करते करते अच्छा खासा टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था। आरिस को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, तो बस मैं आ गई थी यहाँ स्कूल से पिक करने के लिए आरिस को। और लंच के लिए जो है मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई हूँ, जो कि मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था। और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त गर्मी है, और मतलब जैसा लग रहा था कि एकदम खौल रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर है आजकल UAE में। तो बस अब हम चलते हैं घर, और उसके बाद जो है मैं आरिस को लंच वंच कराऊँगी, जब तक जो है ज़ईम फलक अफ़ान ये लोग भी आ जाएंगे। तो बस मैं आ गई थी घर, और ना इस वक्त यहाँ पे शाम के जो है 5 o'clock हो रहे हैं, और मैं ना सोची कि थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी बना दूँ। ज़ईम को भी शाम के टाइम में भूख लग जाती है, और हम लोगों को भी ना इतनी कड़ी गर्मी में जो है कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो इस टाइप के मौसम में ना कोल्ड कॉफ़ी ना वो बेहतरीन ऑप्शन है, और बहुत ईजी होता है। बस दूध डालना है और कॉफ़ी और शुगर, और इसके अंदर है ना मैं 1 चम्मच जो है वो वनीला आइसक्रीम या फिर चॉकलेट आइसक्रीम डाल देती हूँ, जो भी घर में रहती है। जब भी मैं कोई कोल्ड कॉफ़ी या चॉकलेट मिल्कशेक बनाती हूँ ना, तो इस तरह से ना हर्शी सिरप से ना उसकी आउटलाइन जो है मैं उसकी कर देती हूँ, तो देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। और व्हिप क्रीम जो है ना वो ज़ईम को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मैंने डाल दी हूँ। और गर्मी में जो है शाम में आम खाने का तो मज़ा एकदम अलग होता है। तो ना ये मेरे हस्बैंड दशहरी आम लाए थे, कि पता नहीं कौन सा लाए थे, वो बस मैंने कट कर दी हूँ, और चौसा है कि क्या है पता नहीं, उनको तो यही अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए ज़ईम जो है वो पड़ रहा है ऊपर, तो बस मैं उसको कोल्ड कॉफ़ी और मैंगो दे दूँगी। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई छोटी सी आइडिया मिली होगी तो लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, और चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो वो भी मैंने डाली थी कुछ दिन पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा। तो फिर ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।